वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करने जा रही हूँ जो अक्सर कहते हैं कि हमारे पास इंश्योरेंस कराने के लिए, LIC कराने के लिए या किसी तरह की सेविंग कराने के लिए पैसा नहीं है। क्या आप ऐसे किसी प्लान में इंटरेस्टेड नहीं होंगे जब आपको पता चले कि वहाँ से कहीं ना कहीं 4 गुना बढ़कर पैसा आपको मिलेगा? आप कहेंगे हाँ इंटरेस्टेड तो हम हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसे सेव कर सकें, हमारे खर्चे बहुत बड़े हुए हैं। मान लेते हैं कि आज गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा रूल आ जाए कि सैलरी का 10% करके ही आपको मिलेगा, यानी 25,000 कमाने वाला इंसान 24,000 में अपना घर चलाएगा और 10,000 कमाने वाला इंसान 9,000 में अपना घर चलाएगा। क्या तब आप अपना घर नहीं चलाएंगे? आप तब भी अपना घर चलाएंगे और बिल्कुल चलाएंगे। जितने में आपके पास पैसा बचेगा उतने में आपको चलाना पड़ेगा। अब आप सोच के देखिए कि गवर्नमेंट रूल लेकर आएगा तो हम पैसे कम पैसे में अपना घर चलाने को तो तैयार हैं, लेकिन अगर वहीं पे बात आ जाए हमारे परिवार की सिक्योरिटी की और सेविंग की, तो शायद हम अपना खर्चा करना के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। हमारे बड़े बुज़ुर्ग अक्सर कहा करते हैं कि हमें दान करना चाहिए। क्या दान करना चाहिए? हमें रोटी दान करनी चाहिए। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मानते हैं कि आपके पास आपके सामने एक थाली आई है जिसमें 4 रोटी हैं, उसमें से आप 3 रोटी शुरू की खा लेते हैं और जो आखिरी 1 रोटी बचती है वो आप किसी गाय को, किसी कुत्ते को या किसी जानवर को दे देते हैं। अब दूसरे ऑप्शन में आपके सामने एक थाली आई जिसमें 4 रोटी हैं और उसमें आपने पहली रोटी तो निकाल के पहले ही रख दी और जो बाद की 3 रोटी बची हैं वो आपने खा ली। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब है आपने खाई तो 3 ही रोटी, दोनों केस में आपने 3 रोटी खाई हैं और 1 रोटी आपने किसी जानवर को दे दी है, लेकिन पहला केस जूठन कहलाता है और दूसरा केस दान कहलाता है। दोनों का पुण्य अलग अलग लेवल पे मिलता है, तो क्यों दूसरा वाला अच्छा है कि नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा। जितने भी टॉप लेवल के इकोनॉमिस्ट होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, उन्होंने एक बात बोली है, सब ने एक कॉमन बात बोली है कि अगर आप एक दिन का 100 रुपये कमाते हो तो कहीं ना कहीं आपको 20 रुपये बजट ज़रूर करनी चाहिए, यानी जो बचे हुए 80 रुपये हैं उससे घर का खर्चा चलाएं और 20 रुपये बचाएं। जितने भी टॉप लेवल के फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि पैसे को कैसे बचाया जाए, किस तरीके से अपने लाइफ में खर्चे को कंट्रोल करा जाए और पैसे का सेविंग करा जाए, वो सब लोगों का एक ही बात कहना है, अगर माना आप 2,000 रुपये हर महीने कमा रहे हैं तो उसमें से 400 रुपये आपको सेविंग करनी चाहिए, यानी 20% सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं 2 टाइप के इंसान हैं। एक पहला जो पहले तो खूब खर्चा कर लेता है, यानी 100 रुपये में से 80 रुपये पहले सोचता है मैं खर्चा कर लूँ, फिर अगर पैसा बचेगा तो मैं 20 रुपये बचा लूँगा। ये पहले टाइप के लोग होते हैं। और एक दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो पहले तो उस 20 रुपये को सेव कर लेते हैं, यानी पहले सेविंग कर लेते हैं, फिर जो पैसा बचता है उससे घर का एक्सपेंडिचर करते हैं और खर्चा निकालते हैं। तो जो दूसरे वाले लोग होते हैं उनकी सेविंग होने की प्रोबेबिलिटी 90% हो जाती है और वो अपनी लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग करने में सफल होते हैं। अब आप सोच कर देखिए कि आपके पास सेविंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए पैसे नहीं हो पाएंगे, क्या आप अपना खर्चा कम करने को तैयार नहीं हैं? LIC आपको प्रॉमिस करती है और गारंटी देती है कि जो 20% पैसा आप अपनी खून पसीने की कमाई से बचा के, जो 20% पैसा अगर आप LIC को देते हैं तो LIC आपको इतना पैसा हर महीने देगी जिससे आपके घर का खर्चा आराम से चलता रहे, आपके रहने या ना रहने पर आपके घर का खर्चा कभी भी रुकेगा नहीं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो आज यहीं तक था और किसी भी डाउट लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।